हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, कुछ दिन पहले मैंने अपनी बाइक में लगाया था एग्जॉस्ट, जिसको आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, वीडियो को काफ़ी लाइक किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड मैंने ये भी कहा था कि मैं उसके लिए एग्जॉस्ट के लिए एक डीपी किलर बनाऊंगा, क्योंकि उसका आवाज़ जो साउंड है लो आरपीएम पे बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा है, बट लाउड जाता है जैसे ही मैं थ्रॉटल को ज़्यादा करता हूँ। सो उसके लिए मैंने एक चीज़ की है, मतलब डीबी किलर उसके लिए एग्जॉस्ट के लिए आता नहीं, तो मैंने कहा चलो खुद से बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बनाया कैसे और फिर मैं आपको सुनाता हूँ उसका एग्जॉस्ट नोट। ये है वो डीबी किलर जो मैंने अपनी बाइक के लिए बनाया है, और नॉर्मली एक पाइप है, इसको मैंने इधर से स्पेस करके बंद कर दिया शीट से, और इसमें दो होल के हैं ताकि मैं उसमें फिट कर पाऊँ। और इसमें मैंने पहले ये सब होल्स नहीं किए थे, सिर्फ सामने से हॉलो पाइप में से आवाज़ आ रही थी, तो काफ़ी पट पट साउंड कर रहा था, तो मैंने इसमें होल किए और एग्जॉस्ट नोट काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा आ रहा है, वो मैं अभी आपको सुनाऊँगा। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ जाके, ठीक है। तो भाई, हमारा जो डीबी किलर है वो लग चुका है, पीछे से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पास से लेकिन दूर से इतना पता नहीं चलता, देखो, ठीक है। और इसका मैं अभी एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मटेरियल है इसमें मैंने ड्रिल किया तो होल हो गया था, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट था ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, कोई सी भी ड्रिल से मैं भाई यार कोई सी भी ड्रिल से इसमें होल नहीं कर पाया मैं, और बल्कि मैंने दो तीन ड्रिल तोड़ दी। तो फिर मैंने लास्ट ऑप्शन क्योंकि मेरे को करना तो था ही, मैंने इसमें वेल्डिंग से, रॉड से, टॉर्च से इसमें ना होल करा दिया, होल हो गया, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया मामला, तो इसकी जो लुक है उसमें थोड़ा सा दाग आ गया, लेकिन अपने पास सारे सॉल्यूशन है, मैं लगाने वाला हूँ ये ऐसे करके, तो ये छुप जाएगा। तो भाई ये रही हमारी बाइक, और इसका हम सुनने वाले हैं एग्जॉस्ट नोट, ये कर दिया हमने स्टार्ट, सॉरी सेकंड गियर में ये, तो जैसा कि आपने देखा डीबी किलर किस किस तरह बनाया, हाँ थोड़ा सा वियर्ड जरूर लग रहा है, बट हाँ साउंड काफ़ी अच्छी आ रही है, मतलब रिकॉर्डिंग में तो इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही होगी क्योंकि थोड़ा सा वॉइस का डिफरेंस आ जाता है, बट सीरियसली वो जो अब वॉइस नोट है
और रन में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। कि पहले ये था कि पीले नगर मेरे साथ होता था लॉन्ग राइड पे तो उसके सर में दर्द हो जाता था, बट अब वो नहीं होने वाला। अब काफ़ी अच्छा स्मूथ साउंड आ रहा है, कोई पटपट ज़्यादा चुभने वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसी भी नहीं है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।